मैं सबसे पहले जुल्फी बुखारी आपको और वर्कर्स वेलफेयर फंड के अंदर आपकी टीम को, जो पोपल जई साहब नहीं है आज, उनको, आपकी सारी टीम को आज खराज तहसीन पेश करता हूं कि ये जो आपने आगाज किया है 25 साल पुराने प्रोजेक्ट को रिवाइव करके आज आपने ये सब रियलिटी कर दी और लोगों के लिए तैयार कर दिए हैं फ्लैट्स और जो घर हैं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसलिए कि 25 साल से कभी किसी ने नहीं सोचा था कि ये भी, इसको भी प्रायोरिटी बनाएं कि हम उन लोग, वो लोग जो कभी सोच भी नहीं सकते कि वो अपना अपना घर खरीद सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं, तो उस उन लोगों के लिए हमारे बदकिस्मती से मुल्क में कभी भी प्रायोरिटी नहीं थी। यानी हम सब चीजों का सोचते थे लेकिन इस तबके का कभी नहीं सोचा इस मुल्क ने। और ये जो हमारा, हम जब नया पाकिस्तान कहते हैं, नई सोच का नाम है, एक नए माइंडसेट का नाम है। और नया पाकिस्तान का मतलब कि एक माशरे को, सिर्फ एक गवर्नमेंट नहीं, एक मुल्क के फैसला करे कि हमने अपने उस तबके को जो कमजोर है, जो जिंदगी की रेस में पीछे रह गया है, हमने उसको ऊपर लेके आना है। ये जिम्मेदारी हमारी है सबकी, और गवर्नमेंट सबसे पहले अपने एक्शन से ये साबित करती है कि वो एक नई सोच ले आई है, एक नया तर्ज हुकूमत ले आई है। तो ये हम कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहे, ये वर्कर्स का हक है, मेहनत कश लोगों का। और अब तक जिस तरह जुल्फी ने बताया, किराए पे मिलते थे घर वर्कर्स को, अब ये उनके अपने घर हैं, ये वही किराया दे के, वो जो किराया होगा वो कर्जों की किस्त में चला जाएगा और वो घर भी उनका अपना हो जाएगा, अपनी मालकियत हो जाएगी। और हर इंसान जानता है कि कितना एक अपना घर होना सबसे बड़ी नेमत समझी जाती है। देहात के अंदर, गांव के अंदर तो फिर भी आसान होता है लोगों को अपना छत अपनी खरीद लें, बना लें, लेकिन शहरों के अंदर जिधर जमीन महंगी है, नामुमकिन है कि एक मजदूर, एक मेहनतकश, एक तनख्वाहदार, बल्कि पुलिस वाला, बल्कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, जो क्लास 4 के हैं, क्लास 6 के हैं, नामुमकिन है इनके लिए कि ये कभी भी इतना पैसा इनके पास हो कि अपना घर खरीद सके शहरों में। तो ये जो आज हमने ये आगाज किया है, ये सिर्फ इसलिए किया कि अब हमने एक नया कानून ले आए हैं। हमने, एक तो गवर्नमेंट ने पूरी तरह इंसेंटिव्स दिए हैं, लेकिन जो एक कानून है जिससे बैंक्स पहली दफा कर्जे दे सकते हैं, और हमें 2 साल लगे इस कानून को अदालत से क्लियर करवाने में, और कानून का नाम है फोरक्लोजर लॉ। ये कानून, ये जब तक अदालत से हम क्लियर नहीं करवाते थे तो बैंक पैसे ही नहीं देते थे, कर्जे ही नहीं देते थे। तो आज अगर हमें डिले हुआ है, हम ये जो हमने वादा किया था लोगों से घर बनाने का, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि 2 साल के बाद वो फोरक्लोजर कानून अदालत से क्लियर हुआ और अब मुमकिन है बैंक से पैसा, यानी बैंक कर्जे देंगे, जिसको मॉर्गेज कहते हैं। और ये कभी भी ना हम कर सके अगर बैंक्स इसके अंदर शामिल ना हो, तो अब बैंक्स पूरी तरह शामिल हैं। और मैं आज इधर से स्टेट बैंक गवर्नर रजा बाकर को खास तौर पर फिर से ताकीद करता हूं कि सारे प्राइवेट बैंक्स को, जिन्होंने वादा किया हुआ है कि तकरीबन 380 अरब उन्होंने सिर्फ घरों के लिए कर्जों के लिए रखे हुए थे, मॉर्गेज के लिए रखे हुए, वो अब इन्फोर्स करें, उनके लिए आसानी करें कि लोगों के लिए, एक आम आदमी के लिए कर्जा लेना आसान हो। हमारा जो नया पाकिस्तान हाउसिंग है,
इसने पूरी पूरी जिस तरह हर फ्लैट पे 3 लाख रुपया गवर्नमेंट दे रही है सब्सिडी, ताकि आसान हो आपके लिए कर्जों की किस्त आसान हो हर महीने देने के लिए। तो वो हम गवर्नमेंट 3 लाख रुपया हर घर के ऊपर दे रही है, हर फ्लैट पे दे रही है। और उसके अलावा हमने जो सूद है वो भी रोक लिया, हमने गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी कि 5% से ऊपर सूद ना जाए, तो 20 साल तक ये सूद वही रहेगा। बेशक हमारे मुल्क का सूद ऊपर चला भी जाए खुदा ना खास्ता, लेकिन लोगों को 5% से ज़्यादा कभी भी सूद नहीं देना पड़ेगा। और अगले 20 साल तक आपके पास मौका होगा आहिस्ता ये कर्जों की किस्तें देने का। और ये आज आगाज है, 1500 फ्लैट्स अब अगले फेज में फिर से 1500 फ्लैट्स और फिर पेशावर में और सारी जगह काम शुरू हो गया है। हम पूरा आपके सामने जनरल हैदर आपको बताना चाहिए कि अब किधर किधर हमारे सारे पाकिस्तान में नया पाकिस्तान के हाउसिंग शुरू हो चुकी है। और हर जगह क्योंकि हाउसिंग की कमी है, बड़े कम लोगों के पास अपने घर हैं, तो इसकी बहुत बड़ी डिमांड है। लेकिन इंशाल्लाह ये जो आज आगाज़ हो गया है, मुझे खुशी इस चीज़ की यह है कि एक पहली दफ़ा हम अपने उस तबके को, जो मैं फिर से कह रहा हूँ जिनके पास कभी भी कैश नहीं होता था घर लेने का, पहली दफ़ा वो तबका अब अपने, यानी सबसे बड़ी ख्वाब होती है कि मेरा अपना घर हो। तो इंशाल्लाह ये अब शुरू हो गया। और हम आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि जैसे जैसे हुकूमत के पास हमारी आमदनी बढ़ती जाएगी, हम और ज़्यादा पैसा लगाते रहेंगे इस हाउसिंग के ऊपर। हम और ज़्यादा मौका देंगे कि हमारे वो लोग तनख्वाहदार मेहनत कश लोग, वो उनके लिए आसान हो अपना घर खरीदने के लिए। और ये मॉर्गेज, ये मैं फिर से समझा दूँ, ये शुरू में जुल्फी ने कहा कि हम घर बांट रहे हैं, कोई भी दुनिया की हुकूमत हम तो छोड़े हैं, जो अमीर तरीन मुल्क भी हैं वो भी कोई घर बांट नहीं सकता, लेकिन हम आपके लिए आसानियाँ ये पैदा कर रहे हैं कि आसान जो किराए आप देते हैं उसी किराए की जगह आप किस्तें देंगे और आपका घर वो 20 साल तक आप किस्तें देते जाए लेकिन घर आपका अपना हो जाता है। मैं आखिर में जो अपनी हमने मुल्क में जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की मदद की है, ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए हमने आसानियां पैदा की हैं। ये खुद हर हफ्ते मैं मीटिंग लेता हूं इसकी कंस्ट्रक्शन की। आज पाकिस्तान में इसके बावजूद कि कोरोना की वजह से सारी दुनिया मुतासर हुई, सारी दुनिया के अंदर उनकी मईशत को नुकसान पहुंचा, अगर पाकिस्तान आज बचा हुआ है तो उसकी सबसे बड़ी वजह हमारी कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है, जो कि आज सबसे तेज़ी से आगे बढ़ रही है। आज सीमेंट की कीमतें ऊपर चली गई हैं इसलिए क्योंकि सीमेंट की कमी हो गई है। आज जो सरिया है जो घरों में लगता है उसकी अगर कीमत ऊपर चली गई है तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चल पड़ी है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है जो सारे मुल्क में इस वक्त तेज़ी से काम कर रही है, इससे सबसे ज़्यादा रोज़गार मिलता है। और क्योंकि हमारी एक नौजवान आबादी है, हमारा सबसे बड़ा मसला रोज़गार का है, इससे रोज़गार भी मिलेगा और इससे फिर मुल्क की दौलत में इजाफा होगा, वेल्थ क्रिएशन। जब दौलत में इजाफा होगा ही तो हमारे में वो कैपेसिटी कुव्वत बढ़ेगी जो इस मुल्क के ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं उनकी किस्तें वापस करने पे। तो ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इंशाल्लाह एक ऐसा सेक्टर है जो अकेला ही पाकिस्तान की मईशत को भी उठा सकता है, लोगों को रोज़गार भी दे सकता है और हमारे मुल्क में दौलत में इजाफा कर सकता है, ताकि हमारे ऊपर जो चढ़े हुए हैं कर्ज़े उन कर्ज़ों को हम वापस करना शुरू करें। बहुत बहुत शुक्रिया।